हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? लो चली मैं देवर की बारात में नहीं, मैं तो चली डांडिया खेलने। कैसी लग रही हूँ? तो आज मैंने एक नए तरह का ड्रेस, आजकल ये स्टाइल बहुत चल रहा है कि ऐसे पूरा पल्लू खुला छोड़ रहे हैं, तो मैंने वो ट्राई किया है। ये मैं अभी वेबसाइट से लेके आई थी, ये मुझे याद नहीं मैं कहाँ से लाई। ये भी नेक पीस है जो मैंने कमर पे लगा लिया है, और ये चूड़ियाँ कुछ मैंने करोल बाग से खरीदी और कुछ उदयपुर से। ये रिंग्स मेरी उदयपुर से, ये कंगन है उदयपुर से, और ये लाजपत से। कैसी लग रही हूँ मैं? ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे हैप्पी नवरात्रि आप सबको हमारी तरफ से। हमारी सोसाइटी में हम सब लेडीज ने मिलके पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत डिस्कशंस, प्रैक्टिस, ये वो करके फाइनली नवरात्रि डांडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है आज। तो सारे वहां पे खूब डांस करेंगे। तो जहाँ एकता होती है ना, वहां तो बहुत प्यार, प्रेम, उत्साह और एंटरटेनमेंट भी होता है। सो ये देखिए, हम करीब करीब 30 से लेके 32 यानी 32 औरतों के बीच में हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, और डिसाइड किया कि डांडिया खेलेंगे। जो जो इंटरेस्टेड है आ जाओ। बहुत मीटिंग्स हुई, कई बार बहस भी होती क्योंकि हर एक का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन फिर भी सब ने एक दूसरे पर विश्वास रख के कॉन्ट्रीब्यूशन किया और ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। सो यहाँ हम सब ने मिल के पार्क है जो हमारी सोसाइटी का, वहाँ पे लाइटिंग्स करवाए, कूलर लगवाए, डीजे को बुलाया, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, खाना, जो जो आ रहे थे उन सब के लिए सारा हमने अरेंज करवाया था। सो अभी तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, काफ़ी देर वाला पार्ट है बात का, जब हम लोग डांस कर रहे हैं ढोली तारो ढोल बाजे ढम ढम। आपको पता है कितना पुराना गाना है, लेकिन आज भी गाना स्टार्ट होना चाहिए और सबके पैर जो है थरकने लग जाते हैं, रुक नहीं पाते हैं। कितना अच्छा नज़ारा होता है ये डांडिया और गरबे का, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। सब एथनिक वेयर में ड्रेस्ड अप है, रंग बिरंगे कपड़ों में, और खूब खुशियां मना रहे हैं, आपस में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यही तो हमारी इंडियन यानी कि भारतीय संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, जब सारे इकट्ठे होके त्यौहार मनाते हैं खुशियों में, और स्पेशली डांडिया हमने तो लेडीज़ का किया था यहाँ पे, तो हमने बहुत इन्जॉय किया आपस में। हाँ, मुझे देख सकते हैं, बीच बीच में रुक जाती हूँ, लहंगा मेरा इतना हैवी था, सरक सरक के नीचे जाए और मैं ऊपर खींचे जाऊँ। हमने गरबा किया, डांडिया किया, गुजराती गानों पे, बॉलीवुड पे भंगड़ा किया, हरियाणवी गानों पे डांस किया, खूब इन्जॉय किया। आपको पता है मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? पंखीड़ा, ओहो पंखीड़ा पंखीड़ा, ओहो पंखीड़ा पंखीड़ा, तू उड़नी जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़नी जाना पावागढ़ रे, माँ काली से मिलके कहने गरबा खेलेंगे, मारी माँ काली से जैने की जो गरबा रमेरे, ओ हो पंखीड़ा। वेल, आई एम नॉट दैट ग्रेट एट सिंगिंग, आई एम नॉट एट ऑल ग्रेट, आई मीन बहुत ही गंदा गाती हूँ, पर लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, पंखीड़ा वाला सॉन्ग, जिसमें हम पंखीड़ा का मतलब होता है किसी बर्ड को बोलते, मेरी तो समझ यही है कि उड़ के जा और हमारी माँ काली को बोलो कि आए और हमारे साथ गरबा खेले। ये देखिए, नवरात्रि का काफी प्रैक्टिस की थी डांडिया और गरबा के लिए, होता है हमारे जो लोग आए भी नहीं थे पर उस दिन पहुंचे थे, वो भी मिलके कर पाए के लिए, बहुत इजी था ये सब। थैंक यू बोलने एक और मेरा फेवरेट गाना मैं आपसे मिलके हम लोग ये है ना, काफी साल पहले आया था मोती वेराना। सो आई माइट, मेरे मतलब शायद टोन इधर उधर हो जाए, पर फिर भी मैं आपको सुनाती हूँ। मोती वीराना चौक मा आव्या अंबे मा,
ચોકમાં જગમગ થાયા રે આવ્યા અંબે માં, મતલબ એ બોલ રહે હૈ કે ચોક મેં અંબે માં આઈ હૈ और मस्त जगमग छा गए माँ के आते। ये थे हमारा डिनर। इतना डांस करने के बाद सच बोलूँ बिल्कुल खाने का मन था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाया और याद आया अरे रे शूट भी तो करना था। सो सारा खाना बिना प्याज लहसुन का था। यम्मी सी हलवाइयों वाली मिक्स वेज सब्जी थी, दाल मखनी, पनीर की